आप देख रहे हैं YouTube चैनल ITI to CTI क्लासेज। मैं देवेंद्र सर, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रेड थ्योरी की क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है कि स्क्रू ड्राइवर क्या होता है और इसका मटेरियल क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर को हम आम भाषा में पेचकस भी बोलते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम किसी भी स्क्रू को खोलने या उसे टाइट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है भाई, स्क्रू ड्राइवर को हम पेचकस भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो मटेरियल होता है, यह हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? हाई कार्बन स्टील का। और जो इसका हैंडल होता है वो प्लास्टिक या लकड़ी का बनाया जाता है। हैंडल इसका प्लास्टिक या लकड़ी का, और जो इसकी शैंक और ब्लेड होता है वो हाई कार्बन स्टील का, यानी कि एक मटेरियल का बना होता है। ये होता है हमारा स्क्रू ड्राइवर, जो कि ये हमारा स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है। साधारण कामों के लिए, यानी कि जो आमतौर पर जो स्क्रू ड्राइवर प्रयोग किया जाता है वो यही स्क्रू ड्राइवर होता है। इसके पार्ट होते हैं, आगे वाले भाग को ब्लेड बोलते हैं, फिर शैंक होता है, जो सिलेंड्रिकल भाग होता है उसे शैंक, और ऊपर हैंडल होता है। यह प्लास्टिक या लकड़ी का बना होता है, ठीक है। ये प्रकार होते हैं, जो प्रकार स्क्रू ड्राइवर के प्रकार कितने, चार प्रकार का होता है भाई। नंबर एक पे आता स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। जो स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर होता है, यह हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, और इसका ब्लेड होता है, जैसा इसमें ब्लेड होता है, जो कि स्क्रू होता है उसके ऊपर हेड पर भी वैसा ही खांचा बना होता है। और इसके द्वारा हम जो है स्क्रू को खोलते हुए टाइट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा जो स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, ठीक, इसको हम पेचकस भी कहते हैं, ठीक है। नंबर दो पे आता फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। जो फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर होता है, इसका सिरा फिलिप्स होता है, यानी कि इसका जो सिरा होता है ब्लेड, स्टैंडर्ड में ब्लेड होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्लस का निशान बना हुआ होता है। क्या होता है? प्लस का निशान बना हुआ होता है, यानी कि जो हमारा स्क्रू होगा ना, उसके हेड पर प्लस का निशान होगा, और उसे फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर द्वारा खोला जाता है, ठीक है। तो ये होता है नंबर दो पे फिलिप स्क्रू ड्राइवर। नंबर तीन पे आता रैचेट स्क्रू ड्राइवर। जो इसका हैंडल और जो शैंक होती है, यहाँ बीच में रैचेट होती है, उससे क्या होता है कि जब हम हैंडल को लगाकर इसको स्क्रू ड्राइवर को हम स्क्रू पे लगाते हैं और फिर इसके हैंडल को दबाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, वो तेजी से घूमता है। वो इसमें रैचेट होने के कारण जब दबाव देते हैं हम, तो यह तेजी से घूमता है, जिससे वह स्क्रू खोलता या टाइट करता है। इसको क्या बोलते हैं? रैचेट स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। इसमें यहाँ बीच में क्या होती है, रैचेट लगी होती है। जब इसको दबाते हैं तो क्या होता है कि ये तेजी से घूमता है, ठीक है। नंबर तीन चार पे आता है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जहां पर साधारण जो स्क्रू ड्राइवर होता है उससे जो स्क्रू खोला न जा सके, उसके लिए हम ऑफसेट, इसमें क्या होता है, यह मशीन के अंदर का जो स्क्रू होते हैं उन्हें खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसकी दोनों साइड ये 90 डिग्री पर मुड़ी हुई होती हैं। यह है, इस तरह का बना होता है, इस तरह का होता है, जो कि स्क्रू ड्राइवर होता है, ठीक है। ये क्या है हमारा ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ये इधर से 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होता है और इधर से भी 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होता है। इसमें क्या होगा, यदि ऊपर की साइड यहाँ पे क्या है, मशीन का बेड अड़ा हुआ है या कुछ भी पार्ट अड़ा हुआ है, ठीक है, जिसे हम इसको यूज नहीं कर सकते, उसमें क्या करेंगे, हम ऑफसेट का यूज करेंगे। इसको अंदर से इस तरह से डालेंगे और डाल के इसको इस तरह से खींचेंगे, ठीक है, और जिससे हम इसको स्क्रू को खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, स्क्रू ड्राइवर क्या होता है और किस मटेरियल का बना होता है और प्रकार। जैसे कि मैंने बताया, स्क्रू ड्राइवर को पेचकस भी कहते हैं, और मटेरियल हाई कार्बन स्टील का बना होता है, हैंडल प्लास्टिक या लकड़ी का बनाया जाता है। प्रकार चार प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर होता है, फिलिप स्क्रू ड्राइवर और रैचेट स्क्रू ड्राइवर या ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। तो जो स्क्रू ड्राइवर के पार्ट है वो ब्लेड, शैंक और हैंडल। ये था आज का हमारा